सत्याग्रह या साजिश, चर्चा के लिए हमारे साथ है वरिष्ठ पत्रकार केजी सुरेश। केजी सुरेश, किस तरह से आप देखते हैं इस पूरे फियास्को को, जो बाबा का जो सागा था ये? देखिए, कांग्रेस को ये जो ज्ञान बोध हुआ है कि वो कम्युनल है, आरएसएस का मोहरा है, बीजेपी के इशारे पर चल रही है, ये दो दिन पहले क्यों नहीं हुआ? जब आपके बिल्कुल, जिसे कहते हैं कि सारे हदों को पार करके आपके कैबिनेट मिनिस्टर, सबसे वरिष्ठ सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर जाके एयरपोर्ट में जाके सरेंडर करते हैं, नतमस्तक होते हैं, चार चार कैबिनेट मिनिस्टर जाके उनको स्वागत करते हैं, उनके क्लैरिजस कैबिनेट सेक्रेटरी उनके साथ जाते हैं, क्लैरिजस होटल में वार्तालाप करते हैं, तब आपको पता नहीं था ये? अगर ये सच है तो, अगर आपका जो आरोप है, तो बेसिकली क्या है कि इनका पूरा जो रणनीति था वो फेल हो गई। इन्होंने कुछ और सोचा था और कुछ और निकला। और बेसिकली वो देखिए, बाबा राजनीति चीजों से ज्यादा उनका, ठीक है उनका जरूर है कि भाई राजनीतिक पार्टी चलाएंगे, वो ये महत्वाकांक्षा है, लेकिन तजुर्बा नहीं है। क्या है कि और दूसरी बात जो है, कहीं ना कहीं उनकी बातचीत में पारदर्शिता नहीं रही है। क्या है कि लोकपाल की जब टीम जाती है तो चार लोग मंत्रियों से बात करते हैं, लेकिन यहां बाबा ने वो अपने तक रखा। ये नहीं कि कुछ और जिनका ऑथेंटिक जो लोग हैं, जिनका अपना समाज में एक स्थान है, उनको अपने साथ रखते। इससे क्या है कि उनकी छवि जो है ना, वो काफी हद तक, जो अभी क्या हो रहा है कि क्या हुआ था उस क्लैरिजस होटल में उस दिन, क्या बातचीत हुई थी, या तो बालकृष्ण जानते हैं, हाँ, या बाबा जानते हैं, या तीन मंत्री, तो ये एक पर्सनल इंटरेक्शन के जगह अगर उसमें वो एक्टिविस्ट को इन्वॉल्व करते और जो तथाकथित जो सिविल सोसाइटी के लोगों को वो इन्वॉल्व करते, तो शायद इसमें ज्यादा पारदर्शिता, ज्यादा साख बनती। लेकिन अभी क्या है कि इवन जो बाबा का जो रोल है वहां, उसमें क्या उनकी भूमिका रही, क्या वाकई उन्होंने कोई अश्योरेंस दिया था, उससे उन्होंने बैकआउट किया था, ये सब शक के दायरे में आ गया है। लेकिन कांग्रेस सर्टनली बैकफुट में है, क्योंकि वो एक, जिसे कहते हैं ना, नर्वस हो गए, जैसे एक नर्वस ब्रेकडाउन हो गया। पार्टी का खुद आप रिएक्शन देखिए, एक तरफ दिग्विजय सिंह का हमला है, दूसरी तरफ आप देख रहे हैं अनिल शास्त्री ट्विटर पर क्या कह रहे हैं कि ये पार्टी का अलग राय है, पार्टी का राय नहीं था ये मनमोहन सिंह सरकार का राय, सरकार की मजबूरी थी उनको हटाना, सरकार की मजबूरी थी। और तो एक बहुत ही बड़ा कंफ्यूजन के, बिल्कुल एक कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में है सरकार, वो नहीं समझ पा रही कि इसको किस तरीके से संभाले। और इस घबराहट में आकर आज उन्होंने इवन अन्ना हजारे पर हमला बोल दिया, तो इससे जो है ये एक टोटल नर्वसनेस की तरफ जो है इंगित करता है कि घबराई हुई है सरकार। वो पहले भी मैंने कहा था, जिस तरीके से ये एयरपोर्ट पे गए तो उनकी वो घबराहट साफ जाहिर हो रही थी, उनको समझ में नहीं आ रहा था ये जो बाहर निकल गया है इसको अब किस तरीके से संभालें, जिनको कैसे बोतल में डाला जाए। जी सुरेश, आपको लगता है कि कांग्रेस ने किसी लेवल पे यहां आउटस्मार्ट कर दिया बीजेपी को बाबा रामदेव के साथ? नहीं, मुझे तो लग रहा है कि कांग्रेस तो पूरे बैकफुट में है, बैकफुट में बिल्कुल। कांग्रेस तो एक नर्वस ब्रेकडाउन दिखा रही है, वो कांग्रेस इसको डील ही नहीं कर पाई। मैंने कहा ना, जैसे एयरपोर्ट में आपने जाके सरेंडर किया, उसके फिर क्लैरिजस में बातचीत की, उसके बाद आपने ये किया, आज आप अन्ना हजारे पर अटैक कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इससे पूरा रिफ्लेक्ट होता है कि आप जो है टोटली कंफ्यूज है कि क्या करें क्या ना करें, ऐसे किसमें आप सिनारियों में हैं। आपको बहुत ही, अब जिस तरीके के स्टेटमेंट आए हैं, देखिए दिग्विजय सिंह तो लूज कैनन है, लेकिन मैं ये भी नहीं मानता कि दिग्विजय सिंह अपने तरफ से ये सब बोलते हैं, क्योंकि अभी तक उनको पार्टी की तरफ से उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, चाहे वो हेमंत करकरे का मामला हो या बाटला हाउस एनकाउंटर का मामला हो या कोई भी मामला हो। तो अंग्रेजी में कहते हैं ही इज फेमस फॉर शूटिंग हिज माउथ ऑफ। जिसमें एक तरफ उनको भेजेंगे, एक तरफ ये, वो अपनी जगह। लेकिन देखिए, टू बी फेयर, बीजेपी का खासकर शाहनवाज हुसैन का जो प्रतिक्रिया थी वो भी मैं नहीं समझता कोई मैच्योर रिएक्शन था। जैसे ये जनार्दन द्विवेदी के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो जूता या चप्पल जो भी दिखाई दिए, तो तुरंत उन्होंने कह दिया कि देखो पत्रकार तक अब हो गए, पोलराइज हो गया है। तो वो जस्टिफाई करने का जो प्रयास है वो मैं नहीं समझता कि ठीक है, क्योंकि चाहे वो कहीं भी हुआ हो, पत्रकार का धर्म जूता उठाना नहीं है, पत्रकार का धर्म जो है पत्रकारिता करना है। अंतिम शब्द सुरेश आपसे,
ये जो रस्सा कशी हुई है इसको बाहर बैठे हुए लोग बीजेपी वर्सेस कांग्रेस मान करके चल रहे हैं, इसमें नुकसान किसका है? आम जनता का, क्योंकि बेसिक चीज़ है कि इसको बीजेपी वर्सेस कांग्रेस ना देखकर जो मुद्दे उठाए गए हैं, चाहे वो बाबा रामदेव ने उठाए हों, अन्ना हजारे जी ने उठाए हों, वो मुद्दे बिल्कुल जीवंत हैं, ज्वलंत हैं, और उस वो पर्सनैलिटीज़ और पार्टीज़ के क्लैश में नहीं जाना चाहिए। एट द एंड ऑफ द डे लोग जो अन्ना हजारे जी की जो टीम है ये भी बाहर से ही दबाव बना सकते हैं, जैसे आज बर्धन साहब ने कहा कि अल्टीमेटली पार्लियामेंट के अंदर डिबेट होना चाहिए, तो ये प्रेशर सभी पॉलिटिकल पार्टीज में होना चाहिए। ये मुद्दे जो है ये कहीं खो ना जाए, यही डर है इस पूरे रसा के फियास्को में, ये मुद्दे ना खो जाएं इस पूरे फियास्को में, बाबा रामदेव हो या अन्ना हजारे हो, मांग कॉमन है, मांग आपकी है, मांग हमारी है, मुद्दा खोना नहीं चाहिए, मेन चीज ये है। अगर मुद्दा हमारे जहन में है, हमारे दिमाग में है, तो बाबा रामदेव के जरिए ना सही, किसी और के जरिए, कोई दूसरे अन्ना हजारे के जरिए ये आता रहेगा। जरूरत इस बात की है कि हम जागरूक बने, और अगर कुछ परिवर्तन करना है समाज में, कुछ चीजें चाहिए, तो उसके लिए कुछ सेक्रीफाइसेस भी करने पड़ेंगे।